किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने खेती किसानी में लगे होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मटर की खेती के बारे में। अगेती से लेकर पछेती मटर की खेती की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से दूंगा और मैं आपको अपने 4 सालों का मटर की खेती का अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से मटर की खेती करते आया हूं और उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मटर की अच्छी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मटर की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप 1 एकड़ में मटर की खेती करते हैं तो आप विश्वास मानिए, आप जो है कि 3 से 4 लाख रुपए बड़े ही आराम से बचा सकते हैं मटर की खेती करके। और जो अगेती मटर की खेती होती है वो अक्टूबर माह में पहले से लेकर दूसरे सप्ताह में बुआई होती है और उसका मिनिमम रेट, मंडी का मिनिमम रेट जो होता है वो 40 रुपए से लेकर 60 रुपए केजी बिकता है। ये मैं आपको मंडी रेट बता रहा हूँ। और उसके बाद जो मटर की खेती होती है उसका भी मिनिमम रेट 20 रुपए केजी से लेकर 30 रुपए केजी तक होता है। तो आप मटर की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मटर की बुआई कब करनी चाहिए, मटर की खेती की जो विधि होती है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, किस विधि से आप मटर की बुआई करें जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो, और उसके बाद में इसमें सिंचाई कब होगी, खाद की मात्रा, कौन सा वैरायटी आप लगाएंगे मटर की, और साथ ही में इसमें उत्पादन कितना होगा, तो और कौन कौन से रोग लगेंगे, उससे बचाव कैसे आपको करना है। तो मैं इस सारी बातें करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सर्दियों के मौसम में सब्जियों की उपयोगिता बढ़ जाती है, जिसमें प्रोटीन की धनी मटर अपना विशेष स्थान रखती है। सर्दियों में कोई भी सब्जी हो मटर के बिना अधूरी सी लगती है, इसलिए सर्दियों में मटर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मटर का रेट बहुत ही अच्छा मिलता है किसान भाइयों को। मटर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली जीवाश्म दोमट एवं बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत को भली भांति तैयार करने के लिए 4 से 5 बार जुताई करके उस पे पाटा चलाकर समतल कर लें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक होता है। मटर की जर्मिनेशन के लिए 20 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है, इसलिए अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप मटर की बुआई इस दो महीनों में कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका खेत खाली हो वैसे ही आप मटर की बुआई इन 2 महीनों में कभी भी कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए 200 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद और अच्छी फसल लेने के लिए 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए खेतों में। अगर वैसे आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद न हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि ज़्यादातर किसान जो है कि फास्फोरस और यूरिया की मदद से ही खेत को लगभग 4 से 5 सालों तक उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालते हैं, फिर भी उनका फसल होता रहता है, लेकिन इसकी वजह से खेत बंजर होने का संभावना अधिक होता है। तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जरूर करें आप 1 साल में अपने खेतों में एक बार। अगर हम मटर की परंपरागत प्रजातियों की बात करें तो इसमें अर्किल AP3 जिसे हम आजाद मटर के नाम से जानते हैं, AP1 इसे भी हम आजाद मटर के नाम से जानते हैं, और हाइब्रिड में GS10 जो कि काफ़ी प्रचलित मटर का बीज है, क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है, इसके दाने काफ़ी स्वादिष्ट और फलियां काफ़ी लंबी होती हैं। तो आप GS10 का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में, क्योंकि यह जो है कि सब्जी मटर
काफ़ी फेमस होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सबसे अहम बात बुआई की विधि की। तो बुआई की विधि में दो विधियां हैं, एक तो आप छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं, जिसमें बीज की मात्रा जो होगी वह 110 से 130 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लगेगी। और अगर आप दूसरा विधि का प्रयोग करते हैं तो वह लाइन से लाइन की विधि है, वह आप सीड ड्रिलिंग मशीन के हिसाब से कर सकते हैं या फिर खेतों में मजदूर लगाकर कुदाल से लाइन बनाकर उसमें सीड डाल करके बो सकते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए पौना से एक फीट के लगभग, और उसके बाद में जो पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए वह 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। तो इसमें आपकी बीज की मात्रा की बात करें तो 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर बीज इसमें लगेंगे लाइन से लाइन वाले बीज में। और हाँ किसान भाइयों, आप चाहे तो मटर की खेती के साथ मिक्स खेती कर सकते हैं। आप मटर की बुआई करते समय उसमें धनिया छींट दीजिए, और धनिया आपका जो है कि 30 से 40 दिन में उत्पादन उसका शुरू हो जाएगा, और उस समय धनिया का भी रेट बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि मैंने खुद यह प्रयोग करके देखा था तो मुझे धनिया का भी पैसा बहुत ही अच्छा मिला था और मटर का भी पैसा बहुत ही अच्छा मिला था। जब तक मटर में फलियाँ आना शुरू हुआ तब तक हमारा धनिया पूरा ख़त्म हो गया। तो आप जो है कि इसमें धनिया छींट करके एक साथ में दो फसल ले सकते हैं। आपका 30 से 40 दिन में धनिया पूरा ऊपर के मतलब उखड़ के मार्केट में चला जाएगा, उसके बाद जब इसमें फूल आने लगेंगे तब आपको उसमें छूना ही नहीं है, आपका धनिया भी हो जाएगा और मटर भी हो जाएगा। एक फसल में एक साथ दो फसल आप इसमें ले सकते हैं। अगर हम मटर में सिंचाई की बात करें तो मैं आपको बता दूं पौधों में कितने दिन में पानी देनी चाहिए। मटर की उन्नत खेती में प्रारंभ में मिट्टी में नमी और शीत वर्षा के आधार पर 1 से 3 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने से 10 दिन पहले करनी चाहिए अगर खेत में नमी न हो तो। उसके बाद में आपको फूल आते समय सिंचाई करनी चाहिए, और उसके बाद में फलियां बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में पानी न ठहरने पाए, मतलब आपको हल्की सिंचाई करनी होगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो अगर आपके खेत में खरपतवार उगाए हैं तो आपको निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में खरपतवार कम उगे तो आपको क्या करना है कि बुआई के तुरंत बाद ही पेंडा मेथानलीन 4 से 5 लीटर स्टिकर मिला करके आपको 800 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के दर से घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे खेत में खरपतवार कम उगेंगे। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं मटर की खेती में रोग कीट एवं उसके निवारण की, तो यह एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना लागत आएगा एक हेक्टेयर खेती करने के लिए, तो आप कम से कम 50,000 रुपये लग के चलिए इसमें लागत आएगा। और इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कम से कम आपको 3 लाख से 4 लाख का प्रॉफिट होगा इसमें। और मैं उत्पादन की बात करूं तो मटर जो है कि 60 से 70 दिनों की फसल होती है, तो इस तरह से आप अपना मटर की खेती कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी कोई जानकारी आपको अगर पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपना जो है कि कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा दिया हुआ है जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे, आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।